हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्लीव डिज़ाइन। तो देखें, यहाँ पे मैंने फैब्रिक लिया है और बॉर्डर जो ब्लाउज का बॉर्डर है मैंने कट करके उसको अलग कर लिया है। और ये मेरा जो मुझे जितना कपड़ा चाहिए उतना मैंने स्लीव्स के लिए कट करके बराबर रख लिया है। देखें, यहाँ पे इस तरीके से मैंने कट करके रखा है ये बॉर्डर। अब इसके मेजरमेंट लेंगे। हमें जितना लंबाई और चौड़ाई चाहिए, देखिए लंबाई हमें 9 इंच चाहिए और चौड़ाई इसका थोड़ा ज़्यादा लेंगे क्योंकि फब बनाना है तो थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए। और ये बॉर्डर बॉर्डर को रख के हम फिर देखेंगे कि हमें कितना लंबाई रखना है। यहाँ से इसको हम 1/2 इंच छोड़ के, क्योंकि आगे 1/2 इंच सिलाई में जाएगा, ऊपर मैंने रखा है 10 पे हमें तैयार चाहिए तो 10 इंच पे पहले हम मार्क करेंगे। 10 इंच लंबाई मुझे पूरा कंप्लीट तैयार होने के बाद 10 इंच चाहिए। फिर यहाँ से हमें 1 इंच जो सिलाई में जाएगा उसको मैंने लिया और फिर 2.5 इंच एक्स्ट्रा मैंने लिया है। अगर आपको और ज़्यादा ज़्यादा फफ चाहिए तो आपको और ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा रखना होगा। देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ से पूरा हम नाप के देखेंगे, पूरा आ रहा है 13 पे। देखिए, इस तरीके से ये पूरा इसका नाप 13 पे तैयार हो रहा है। तो यहाँ से हमें इस तरीके से नाप के देखना है और 2.5 इंच नीचे भी हम निशान लगा देंगे 2.5 इंच पे। इसको हम सीधा कर लेंगे लाइन को। अब यहाँ हम आर्म होल की गुलाई जितना नाप लेंगे ब्लाउज से, जितना होगा फिटिंग मेरा उससे हम 1/2 इंच बढ़ा के 7 इंच पे, आर्म होल है तो 1/2 इंच बढ़ा के 7.5 इंच पे हम टिक करेंगे। देखिए, लाइन यहाँ पे हम मैंने एक टिक कर दिया। अब यहाँ से हमें इंच टेप को इस तरीके से रखना है, यहाँ से हम नीचे निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अब नीचे से हमें लेना है 3 इंच, यहाँ से हम नीचे से 3 इंच या 2.5 इंच भी ले सकते हैं या 3 इंच, तो मैंने लिया है 3 इंच। यहाँ से हम निशान लगा लेंगे। अब जो ऊपर निशान लगाए इसको थोड़ा सा हम गुलाई दे देंगे। इस तरीके से हमें गुलाई देना है। देखिए, इस तरीके से गोलाई मैंने दे दिया। अब आगे मोड़ी के लिए हम लगाएंगे निशान। तो मेरा फिटिंग 5.5 इंच है तो हम 5.5 इंच पे हम लाइन मार्क करेंगे। यहाँ से 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए और हमें जितनी प्लेटें डालनी है उस हिसाब से हम यहाँ यहाँ लेंगे हम 2.5 इंच। पीछे ज़्यादा डालेंगे, आर्म होल की साइड में हमें प्लेटें ज़्यादा डालनी है तो मैंने ज़्यादा लिया है। और आगे हमें 4 ही प्लेट बनाना है तो मैंने लिया है 2.5 इंच। अब इसको हम कट करके निकाल देंगे जो एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है। अब इसकी हम पूरी कटिंग कर लेंगे। इसमें आगे फ्रंट वाले पीस में हमें गहराई नहीं देना होता है। अब देखिए, जगह जगह पे हम जो निशान लगा है हम वहाँ पे कट कर लेंगे। इस तरीके से छोटा छोटा कट लगा लेंगे। देखिए, यहाँ भी हम कट लगा लेंगे। देखिए, दोनों साइड में हमें 2.5 इंच पे कट लगा के फिर निशान लगाना है इस तरीके से 1/2 1/2 इंच पे। मैंने पहले तो हमें 3 इंच ऐसे निशान लगा के उसके बाद हमें 1/2 1/2 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेना है कि प्लेटें डालने के टाइम बहुत ही अच्छे से प्लेटें पड़ जाए। अगर आपको दिक्कत होता है ऐसे प्लेट डालने में तो इस तरीके से आप निशान लगा के फिर प्लेटें डाल लेंगे। देखिए, यहाँ पे मैंने कट लगाया है। देखिए, इस तरीके से हम रख के इसमें निशान लगाएंगे। देखिए, 1/2 इंच पे इंच टेप में जो निशान लगा है उसी के बराबर के हमें निशान लगा लेना है इस तरीके से। इस तरीके से प्लेटें एकदम बराबर बैठती हैं। देखिए, इस तरीके से हम ऊपर और नीचे दोनों साइड में लगाए हैं। इसी तरीके से लगा लेना और इस तरीके से हमें प्लेट डालना है।
इस तरीके से करके हमें प्लेटें डालना है। इस तरीके से निशान लगाने से बहुत ही अच्छे से प्लेटें पड़ जाती है, दिक्कत नहीं आता है। देखिए बिल्कुल बराबर प्लेट आएगा। देखिए इस तरीके से हमें प्लेटें बनानी है, इसी तरीके से ऊपर नीचे प्लेट बना के तैयार करना है। सबसे पहले हम एक पिन लेंगे, देखिए पिन की सहायता से हमें प्लेटें डाल लेना है। नीचे साइड में 4 प्लेट पड़ेगा, तो देखिए पहले हम प्लेट बना के फिर इस पर हम सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरीके से हमें प्लेट लगा लिया, इस पर सिलाई भी लगा ली है प्लेट बना के। देखिए इस तरीके से बना लेंगे। इस साइड में भी इसी तरीके से करना है, प्लेटें बना के फिर इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। अगर आपको दिक्कत आता है तो पहले ही इस पे प्लेट बना के फिर इसके ऊपर आयरन लगा देंगे तो बहुत ही अच्छे से बैठ जाएगा, या पिन लगा लेंगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगा। देखिए इस तरीके से हम दोनों साइड में प्लेटें लगा के इस पे सिलाई लगा ली है। देखिए इस तरीके से बन के तैयार हो गया। अब इसमें हम बॉर्डर लगाएंगे, जो लेस है आगे वाली बॉर्डर इसमें अटैच करेंगे उसको। तो देखिए इसके लिए मैंने यहाँ पे अस्तर, उसके बराबर का मैंने अस्तर कट कर लिया है। इसको बराबर रख के अब इस तरीके से इसको स्लिप्स को हमें रखना है। देखिए एक साइड से, सीधे वाले साइड से हमें इसको रख के, अस्तर को अभी नहीं लेना है, पहले इस पे हमें सिलाई लगा लेना है। देखिए इस तरीके से रख के हमें बराबर, कपड़े को बराबर करते हुए हमें सिलाई लगा लेना है। इसी तरीके से अब दूसरे साइड में हमें अस्तर को लेना है। देखिए एक साइड में हम अब उल्टे साइड में हमें अस्तर को रख के फिर इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। सीधे वाले साइड में हम मेन फैब्रिक लेंगे और उल्टे वाले साइड में हमें अस्तर लेना है। देखिए इस तरीके से अस्तर भी हम अटैच कर लिए। अब इसके ऊपर से इसको दोनों को सीधा करके, देखिए इस तरीके से हमें सीधा करके इस पे हमें सिलाई लगाना है कि अच्छे से ये बैठ जाए। देखिए इस तरीके से हम करके इसको, और सीधे साइड से इस पे हम एकदम किन बीच में सिलाई लगा लेना है कि इस तरीके से हमें सिलाई लगाना है। देखिए इस तरीके से ये तैयार हो गया। अब इसे हमें, देखिए किनारे पे लग गया है सिलाई, अब इसे हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट करके हमें निकाल लेना है, जो अस्तर वाला एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेंगे। अब इसे हमें इस तरीके से खोल के रखना है, देखिए इस तरीके से हमें खोल के रखना है और इसे हमें रोल कर लेना है। इस तरीके से हमें रोल करके इसको बीच में, देखिए इस तरीके से हमें रोल कर लेना है इसको। और इसके बाद दोनों फैब्रिक को, अस्तर और जो बॉर्डर वाला फैब्रिक है, इसको हमें इस तरीके से करके इस पर सिलाई लगा लेना है। देखिए इस तरीके से हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। अब इसे हम निकाल लेंगे इसमें से। देखिए इस पे आयरन लगा लेंगे, आयरन लगाने के बाद बहुत ही अच्छे से ये बैठ जाएगा। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे किनारे पे, किनारे पे एक सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से ये स्लिप्स बन के तैयार हो गया है। देखिए आप चाहे तो डायरेक्ट ब्लाउज में भी अटैच करते टाइम पीछे वाली प्लेटें डाल के डायरेक्ट सिल सकते हैं। देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे हम कट करके बराबर कर लेंगे। देखिए इस तरीके से ये स्लिप्स बन के तैयार हो गया। अब इसे हम ब्लाउज में अटैच कर लेंगे। देखिए इस तरीके से,
ये कट के और सिल के मैंने तैयार किया है। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा स्लीव्स का डिज़ाइन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।